हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल विनर 11 फैंटेसी एक्सपर्ट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीयूजीयू वर्सेस एससीओ के बीच में जो मैच खेला जाएगा। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ। और जो लोग पहले लाइक एंड पहला कमेंट कर चुका है तो उन लोगों को मिल गया है विनर 11 फैंटेसी एक्सपर्ट की तरफ से 11 रुपये करके तीन बंदे को जो भी किया है फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपसे भी अगर स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल विनर 11 फैंटेसी एक्सपर्ट पर। वेन्यू जो होने वाला हम लोग, तो गाइस वेन्यू जो होने वाला है कहाँ पर होने वाला है, मानुका ओवल स्टेडियम पर। टाइम जो होने वाला है 1:45 पर होने वाला है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 172-179 होने वाला है। और रही बात टेम्परेचर का तो 19-21 के बीच होने वाला है। और टेलीग्राम चैनल की अगर बात करेंगे तो @winner11drm बोलकर सर्च करना पड़ेगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने का दो फायदा, एक जो फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट का जो विनर है उन लोगों का अनाउंसमेंट टेलीग्राम पर भी होगा और फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पर टीम भी मिलेगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। हेड टू हेड रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो इन दोनों के बीच टोटल 4 मैच खेला गया है जिसमें से थंडर ने विन किया है 2 और स्कॉर्चर्स ने विन किया है 2, मतलब यानी कि क्यूएल का पल्ला रहेगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो बैलेंस पिच रहने वाला है, हाई स्कोरर पिच रहेगा, ठीक है। और आज थोड़ा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, जितना शॉर्टकट पर हो सके मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो एलेक्स हेल्स जो है स्टेट्स देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रैंड लीग के लिए पिक बना सकते हो, आगे आपकी मर्जी स्टेट्स आप लोग देख सकते हो। गिलकिस जो है ओपन करने आता है, ज़बरदस्त प्लेयर है, ग्रैंड लीग के लिए पिक बनना चाहिए, हो सके तो एक दो पर कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी देना क्योंकि क्लासिकल बैट्समैन है। संघा एक बहुत ही अच्छा खासा बैट्समैन है, व्हाइटमैन को खिला सकता है लेकिन व्हाइटमैन को संघा की जगह नहीं किसी और की जगह खिला सकता है, ठीक है, मतलब बेन कटिंग की जगह पर, समझ सकते हो। तो जो भी हो संघा जो है एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, क्लासिकल बैट्समैन है, ऑन डाउन पर बैटिंग करने आता है, आप इसको जरूर से जरूर ग्रैंड लीग पर पिक कर लेना, हो सके तो कैप्टन वाइस कैप्टन से भी दे देना। फिर आपको देखने को मिल जाए बिलिंग्स तो भाई जबरदस्त प्लेयर है लेकिन 2 डाउन पर बैटिंग करने आता है, इस वजह से उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं देता है लेकिन आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं अगर ऊपर का 3 या 2 फ्लॉप जाता है तब। रोज़ की अगर बात करेंगे स्टार्ट देख सकते हो, नीचे बैटिंग करने आता है, ज़बरदस्त खेलता है, कभी कभार ऊपर भी आ जाता है लेकिन ऊपर आने का भी चांसेस ही नहीं है। तो रोज़ को आप ऐसे ग्रैंड लीग पिक कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर नहीं करूँगा। डैनियल सैम्स की अगर बात करेंगे तो डैनियल सैम्स का स्टार्ट देख सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर है एज ए बॉलिंग साइड से, बैटिंग उतना अच्छा खासा कुछ करता नहीं है लेकिन भाई ऐसे बॉलिंग साइड से बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उस वजह से बहुत ही अच्छा खासा रहेगा डैनियल सैम्स, ये चीज़ ध्यान में रखना। बेन कटिंग की अगर बात करेंगे स्टार्ट देख सकते हो, बेन कटिंग भी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या है बैटिंग बहुत नीचे करने आता है, बॉलिंग भी नहीं कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ओवर करवाता है, तो उस वजह से खास इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से लगता नहीं है बेन कटिंग, तो आगे आपकी मर्जी। मैकेंड्रू की अगर बात करेंगे तो स्टार्ट देख सकते हो, मैकेंड्रू भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए बॉलिंग साइड से, ठीक, अगर पहले बॉलिंग करता है तो मैकेंड्रू इंपॉर्टेंट रहेगा, चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि मैकेंड्रू जो है मैच टर्नर पॉइंट है, ठीक है, मतलब कभी भी मैच को घुमा सकता है, तो ट्राई कर लेना। उसके बाद आपको देखना होगा सी ग्रीन का अगर स्टार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं आप लोग सी ग्रीन के स्टार्ट। सी ग्रीन मेरे हिसाब से उतना अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा एज ए स्पिनर है इस वजह से, तो आप अगर चाहो तो सी ग्रीन को ड्रॉप कर सकते हो। महमूद की अगर बात करेंगे तो स्टार्ट देख सकते हो, महमूद ज़बरदस्त प्लेयर है, लास्ट मैच पर जो है 1 विकेट लेकर गया है, तो महमूद को जरूर से जरूर ग्रैंड लीग पर पिक होना चाहिए, आप अगर चाहो तो महमूद को कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी बना सकते हो एक दो पर। फिर संधू की अगर बात करें तो स्पिनर है, ग्रीन की जगह पर संधू खेल सकता है नेक्स्ट मैच, तो देखना ये पड़ेगा कि कौन खेलता है, ठीक है। और रही बात संघा का अगर स्टार्ट देखेंगे तो ये इस प्रकार आपको संघा का स्टार्ट देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त प्लेयर है, ग्रैंड लीग के लिए पिक बना सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन से भी ले सकते हो। संघा जो है क्योंकि ये फर्स्ट बॉलर करता है, डेथ पर भी बॉलिंग पर आता है, तो इस वजह से संघा एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे हम लोग बात कर लेंगे स्कॉर्चर्स की तरफ से, तो स्कॉर्चर्स की तरफ से बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए चलो अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ से बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, स्कॉचर्स के ऊपर, तो आपको देखने को मुझे बैनक्रॉफ्ट के अगर स्टार्ट देखेंगे तो स्टार्ट हाँ सही है और ओपन करने आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रैंड लीग के लिए पिक बनना चाहिए। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा मुनरू अभी ओपन नहीं कर रहा है, मुनरू को अभी 2 डाउन पर आ रहा है और इंग्लिश जो है ओपन आ रहा है, तो इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा खासा क्लासिकल बैट्समैन है, नेक्स्ट मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश को जरूर से जरूर ग्रैंड लीग के लिए पिक होना चाहिए नेक्स्ट मैच पर क्योंकि ओपन करने आएगा तो भाई ज़बरदस्त पॉइंट भी देकर जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आपको देखने को मिल जाएगा कौन मुनरू की अगर बात करेंगे स्टेट देख सकते हो, और बैटिंग पर नीचे आ रहा है तो कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर मत करो, कैप्टन पर प्रेफर मत करो, हो सकता है वाइस कैप्टनशिप पर प्रेफर करो, आपको अच्छा खासा पॉइंट देकर जाएगा मुनरू।
फिर आपको देखना है मार्च, मार्च के अगर चार्ट देखेंगे तो जबरदस्त प्लेयर है अभी, ये ऑन डाउन पर आ रहा है, मार्च ऑन डाउन पर आता है और मुनरो टू डाउन पर। तो मार्च का जो स्टेट्स है ये बॉलिंग भी करा लेता है, बैटिंग भी करा लेता है, उसके साथ साथ ऑन डाउन पर भी बैटिंग आता है। तो एज ए स्मॉल लीग इसको ग्रैंड लीग पर, एज ए स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टनशिप प्रेफर कर सकते हो, और अगर हो सके तो ग्रैंड लीग पर भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी ले लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपको देखना टर्नर, टर्नर की अगर बात करेंगे खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिनिशर के रूप से खेलता है तो उस वजह से पिक करके रख सकते हो ग्रैंड लीग के पिक। मान के चलो कि 16 ओवर में विकेट गिर जाता है, टर्नर बैटिंग पर आ जाता है और वो भाई 10 गेंद खेल लेता है, 10 गेंद खेलेगा तो भाई कम से कम भाई आपको 30 रन मार के देकर जाएगा, 30 नहीं तो भाई 25 तो देकर जाएगा ही जाएगा, तो उस वजह से एक ग्रैंड लीग पिक बनता है। इवेंट्स भी है एज ए फिनिशर के रूप से, लेकिन इवेंट्स खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, आगे आपकी मर्जी इवेंट्स को ट्राई करने के लिए। उसके बाद आपको देखना अगर अगर जो है अगर बहुत नीचे बैटिंग करने आता है तो उस वजह से बैटिंग के तरफ से कोई आस मतलब पॉइंट की आस ही मत रखो, अगर रखते हो कोई भी पॉइंट मतलब पॉइंट का आस रखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के रखना है पता है, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग साइड से, वो जितना भी पॉइंट देगा आपको बॉलिंग साइड से, बैटिंग साइड से अगर आपको जितना भी देगा वो बोनस समझ कर आपको रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बॉलिंग अगर को आप पिक कर सकते हो। फिर आपको टाई, टाई की अगर बात करेंगे तो खास इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से लगता है, लेकिन अगर पहले बॉलिंग करता है तो टाई इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर पहले बॉलिंग नहीं करता है तो टाई भाई ड्रॉप जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर चेज करता है टीम, ठीक है, सॉरी अगर मान के चलो पहले बैटिंग करता है टाई का टीम तो भाई बकवास की तरह जाएगा, तो ड्रॉप कर सकते हो। फिर आपको देखो माइल्स, माइल्स की अगर बात करेंगे अगर पहले बैटिंग करेगा तो भी माइल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर बाद में बैटिंग करेगा तो भी माइल्स इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए ग्रैंड लीग। अगर पहले बैटिंग करता है तो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप प्रेफर करना है, और अगर बाद में बैटिंग करता है तो ऐसे पिक करके रखना है। फिर आपको देखना हेडचुकलू, हेडचुकलू की अगर बात करेंगे तो लास्ट मैच पर क्या हुआ था कि शायद ये बंदा जो है इवंस की जगह पर खेलने आया था, मुझे सही तरीके से याद नहीं है लेकिन शायद इवंस की जगह पर खेलने आया था, ठीक है। तो हेडचुकलू एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रैंड लीग के लिए पिक बना सकते हो, खास इंपॉर्टेंस से मेरे हिसाब से लगता नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन से हेडचुकलू को प्रेफर नहीं करूंगा। फिर आपको देखना है ब्रेन ड्रॉप, ब्रेन ड्रॉप की अगर बात करेंगे तो लास्ट मैच पर 2 विकेट लिया है और उसके साथ साथ जबरदस्त प्लेयर भी है, तो आप इसको अगर चाहो तो ग्रैंड लीग के लिए पिक बना सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी ले सकते हो अगर पहले बॉलिंग करता है तब, अगर बाद में सेकंड बॉलिंग करता है तो क्या करना है कि बस पिक करके रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आगे हम लोग चलेंगे ड्रीम इलेवन पर, ड्रीम इलेवन चल कर थोड़ा टीम वीम भी बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो गाइस जैसे हम लोग आ जाएंगे ड्रीम इलेवन पर, आपको विकेट कीपर सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग सीधा बॉलिंग सेक्शन से ट्राई करेंगे। टाई, शंघा और बेरन ड्रॉफ, महमूद, आप अगर चाहो यहाँ से संगा को छोड़कर मैकेंड्रू को ले सकते हो, ठीक है, आगे आपकी मर्जी। ये 2 ऑप्शन मैं दे दिया आप लोगों को। और ऑलराउंडर सेक्शन से मार्स को लेना पड़ेगा, सैम्स को भी लेना पड़ेगा, अगर को भी लेना पड़ेगा, 3 का 3 हम लोगों को उठाना है। फिर हम लोग आएंगे बैटिंग सेक्शन पर, बैटिंग सेक्शन में से हम लोगों को जो उठाना है हेल्स एज ए ग्रैंड लीग पिक, ठीक है, और मुनरू पीटरसन, ठीक है, आप अगर चाहो यहाँ से, खास इंपॉर्टेंस और कोई नहीं है, जे संगा को ले सकते हो एज ए ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है, 8.5 क्रेडिट की वजह से पैटरसन को छोड़कर जे संगा को ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार हम लोगों को टीम देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे विकेट कीपर सेक्शन पर, तो विकेट कीपर सेक्शन में से आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, बिलिंग्स और इंग्लिश और उसके साथ साथ बैनक्रॉफ्ट, और बिलिंग्स और इंग्लिश जो है दो ही भाई बहुत ज़बरदस्त खेल जाए, तो आप अगर चाहो तो बिलिंग्स या इंग्लिश को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर जो पिक करने वाला हूँ बिलिंग्स को, और आप अगर चाहो तो इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं इंग्लिश को भी ट्राई करूँगा। हम लोगों का जो टीम है कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो महमूद, संगा, बेरन ड्रॉफ, अगर, ठीक है, अगर हाँ एज अ बॉलिंग साइड मार्स, बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों तरफ से ही, संगा एक वाइस कैप्टनसी होगा, मुनरू को ड्रॉ नहीं बनाएंगे, हेल्स को बना सकता है कैप्टन, रिस्की होगा लेकिन सही होगा, और यहाँ पर सैम बिलिंग से रहेगा, इन लोगों का आप कैप्टन वाइस कैप्टन से बना सकते हो। रही बात आपको फाइनल टीम का, अगर आपको भी मेरा फाइनल टीम चाहिए तो सीधा जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर जुड़ सकते हो, या तो फिर आप क्या करते हो कि टेलीग्राम पर जाकर @WINNER विनर 11, ठीक है, उसके बाद DRM इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा विनर 11 फैंटेसी एक्सपर्ट के नाम से जाना, वहाँ पर मेरा फाइनल टीम आएगा, तो फटाफट जाकर वहाँ पर जुड़ जाओ। तब तक के लिए चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर।